दोस्तों, किंग खान की फिल्म जवान को लेकर एल्विश यादव का चौंकाने वाला रिएक्शन सामने आया है। जवान का क्रेज और हाइप इतना ज्यादा हो चुका है कि सब लोग इस फिल्म की बात कर रहे हैं। इसी दौरान एल्विश यादव जवान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहता है कि शाहरुख खान मेरे बचपन से फेवरेट एक्टर है और जवान से बॉलीवुड को फिर से थोड़ी राहत दे सकते हैं, क्योंकि फिलहाल बॉलीवुड को एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बॉलीवुड में शाहरुख खान ही इकलौता ऐसा एक्टर है जिसको दुनिया भर में लोग जानते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जवान अगर 300 करोड़ की कमाई करती है तो ये फ्लॉप मानी जाएगी, क्योंकि बजट ही 300 करोड़ है। इसलिए फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने के लिए कम से कम 400 करोड़ हिंदी में कमाने होंगे, लेकिन हमारे हिसाब से जवान एक बार ऑडियंस को पसंद आ गई तो ये 500 करोड़ क्या सीधा 2000 करोड़ पार करेगी। दुनिया भर से जवान काफी ज्यादा कलेक्शन करती नजर आ रही है। के मास डायरेक्टर एटली की भी ये सबसे बड़ी और महंगी फिल्म है। कुछ खबरों की माने तो जवान साउथ साइड 100 करोड़ से 150 करोड़ की कमाई कर सकती है। वही पठान ने साउथ में इतना कलेक्शन नहीं किया था। ऐसा पहली बार होगा कि एक ही एक्टर एक साल में लगातार 1000 करोड़ का कलेक्शन करेगा। प्रभास ने बाहुबली में 1000 करोड़ से ज्यादा कमाए, लेकिन दोबारा कभी उसने 1000 करोड़ की फिल्म दी। लेकिन शाहरुख खान अगर जवान से ऐसा कर देंगे तो फिर ये रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसके डायरेक्टर एटली के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अभी तक सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में ही बनाई है। अगर आपको एटली की फिल्में देखनी है तो थेरी और मार्शल को जरूर देखना। फिलहाल जवान की काफी ज्यादा हाइप बन चुकी है। वही फिल्म 7 सितंबर को सिनेमाघर में धमाकेदार ओपनिंग करेगी। फिल्मी एक्सपर्ट का मानना है कि जवान अपने पहले 3 दिनों में ही 200 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कमाई कर सकती है। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि क्या जवान भी 1000 करने में कामयाब होगी। जवान कितना कलेक्शन करेगा जरूर बताना और सब्सक्राइब भी कर लेना।